खुदावन की हमद करो क्योंकि खुदा की मदासराई करना भला है, इसलिए कि ये दिल पसंद और सताइश जेबा है। मसीह यीशु के अजीम बाबरकत जलाली नाम में आप तमाम नेशनल न्यूज़ देखने वालों पर खुदा की सलामती हो। प्रोग्राम गवाही में आज सुबह मैं आपको वेलकम करता हूं। आज हमारे साथ मौजूद हैं खुदाम के खादम पास्टर आसिफ चौहान, आप चेयरमैन हैं रेवलेशन गॉस्पल मिनिस्ट्री के। मैं इनका बेहद शुक्रगुजार हूं कि इन्होंने आज फिर अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए वक्त दिया, हमें वक्त दिया ताकि हम खुदावंद की बातों को जो उनके पास उनकी गवाहियां हैं उनसे रोशनास हो सकें। भाई साहब मैं आपको वेलकम करता हूं, मेरे लिए बाइस मुसरत है कि आज आप फिर मेरे साथ मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपकी दावत देने का और खुदावंद आपको बरकत दे। अच्छा भाई साहब, लास्ट टाइम जब प्रोग्राम गवाही में मैंने आपको मधु किया था तो मैंने जाना था कि आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसी गवाही जो हमारे नाज़रीन के लिए उनकी ईमान की तरक्की का बाइस हो। आज मैं आपसे जानना चाहूँगा कि दौरान खिदमत कोई ऐसी गवाही, कोई ऐसा मौज़ा जो आपके आपकी वजह से ज़हूर पज़ीर हुआ हो। जब लास्ट टाइम मैंने बताया था कि मेरी ज़िंदगी की तब्दीली क्या थी, बिल्कुल ऐसी, और जब मैंने उस तब्दीली के बाद खिदमत का आगाज़ किया तो आप जानते हैं कि खादमों की जो खिदमत का आगाज़ है वो कोई आसान नहीं होता, वो टफ होता है, वो बहुत मुश्किल होता है और उसमें आजमाइशें बहुत ज़्यादा होती हैं, इम्तिहानात बहुत ज़्यादा होते हैं, स्ट्रगल बहुत ज़्यादा होती है और बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पर आकर उनको एक वक्त ये फैसला करना पड़ता है कि वो अपनी खिदमत से या अपनी मिनिस्ट्री से जो है वो बैकवर्ड्स हो जाएँ, वो वहाँ से पीछे मुड़ जाएँ। एक वक्त मेरी भी एक वक्त ऐसा मेरी ज़िंदगी में भी आया कि जब मैं खिदमत का आगाज़ कर रहा था तो एक वक्त ऐसा आया कि जब मेरे बच्चे, मेरी फैमिली स्ट्रगल कर रही थी और मेरे बच्चे दो दिन से भूखे थे और मेरी वाइफ जो थी शी वॉज़ वेरी वरिड, वो बड़ी परेशान थी, फिक्रमंद थी कि लाजम बात है जब एक माँ अपने बच्चों को भूखा देखे तो वो रह नहीं सकती, वो तड़प उठती है। तो मेरी मिसेज ने भी जो है मुझसे ये सवाल किया और मुझे एक पॉइंट पर ला के खड़ा कर दिया कि या तो तू खिदमत कर ले, खिदमत को रख ले, या फिर ऐसा करके तू अपने बीवी बच्चों को रख ले। वो टाइम जो था, वो वक्त जो था, वो टर्निंग पॉइंट मेरे लिए बड़ा अहम था। उस वक्त डिसीजन लेना मेरे लिए बड़ा मुश्किल था कि मैं अपने बच्चों की भूख, अपने बच्चों की परेशानी, फैमिली की स्ट्रगल को देखूं या खिदमत को देखूं। और फिर उस वक्त मैंने ये फैसला किया जो है कि मैं खिदमत को छोड़ दूंगा और मैं अपने बच्चों के लिए कुछ करूंगा। और जितना मेरे पास उस वक्त मटेरियल था, जो स्टडी मटेरियल था, किताबें थी, ये वो जो कुछ भी था, और मैंने उन तमाम मटेरियल्स, किताबों को लेके जो रिलीजियस मटेरियल मेरे पास पढ़ने के लिए था, मैंने उसको बोरियों में बंद किया और मैंने कहा इनको बेच के कबाड़िए को तो मैं रद्दी बेच के कोई खाने का इंतजाम करूंगा। अभी मैं ये सारा प्रोसेस कर रहा हूं और मैं निकलने को था कि खादम मेरे पास आए, मेरे घर में आए, और वो मेरे रूहानी उस्ताद भी हैं, रूहानी बाप भी हैं, मैं उनको रूहानी बाप की हैसियत भी देता हूं। और जब वो आए मेरे पास तो उन्होंने पूछा कि क्या बात है, तुम दोनों के मुंह बने हुए, कोई मसला है? मैंने उनको बताया जी इस तरह प्रॉब्लम है, तो मेरी बीवी ने, माली ने मुझे जो है वो ये बात कही है। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, तुमने जो फैसला करना, तुमने कहा चलो पहले दुआ करें। हमने दुआ करनी शुरू की और जब हमने दुआ ख़त्म कर ली तो भाई साहब ने मुझे कहा, मेरे रूहानी उस्ताद ने, बाप ने, कि यार बाइबल खोला जाए, हवाला पढ़ते हैं, खुदा तेरी कलाम में से रहनुमाई करेगा। मैंने बाइबल खोली और बाइबल जब मैंने खोली तो मेरे सामने एक रेफरेंस आया यूहन्ना की अंजील उसका 15वां बाब और उसकी 5वीं आयत, और जब मैंने उस पर निगाह की तो मैं हैरान रह गया कि वो फाउंड जो था, वो वर्स जो थी, वो बाइबल जितनी चौड़ाई बाइबल की इतनी चौड़ाई वो फाउंड मुझे नजर आ रहा था। और मैं हैरान था कि इतना बड़ा फाउंट तो बाइबल में कभी हुआ नहीं, लेकिन वो फाउंट मुझे नजर आ रहा था और वो वर्स बकायदा मोटे मोटे हरूफ में नजर आ रही थी और लिखा हुआ था कि तुम मुझसे जुदा होकर कुछ नहीं कर सकते। मैं बड़ा हैरान हुआ और मैंने उसको खुदा की आवाज़ जाना और मैंने अपनी मिसेज से कहा, मैंने कहा कि ठीक है, अब जब बाइबल मुझे ये कह रही है कि तुम मुझसे जुदा होकर कुछ नहीं कर सकता तो फिर मैं बीवी बच्चों का क्या करूंगा? जब मैं उससे जुदा हो जाऊंगा तो मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। सो मेरा फैसला ये है कि अगर तू जाना चाहती है तो अपने बच्चों को ले और तू चली जा, मैं खिदमत को नहीं छोड़ूंगा। और वो दिन और आज का दिन मैं अपनी खिदमत पर गामजन हूँ और करता आ रहा हूँ।
उसके बाद बहुत स्ट्रगल की हमने। एक वक्त ऐसा आया जब हम खिदमत कर रहे थे और मेरी बीवी ने उसके साथ उस वाक्य के बाद मेरे साथ स्टैंड लिया और हम खिदमत करते रहे। और एक वक्त ऐसा आया कि हम जिस घर में किराए में रहते थे उन वहाँ का तकरीबन 6-7 महीने का किराया नहीं था और उन लोगों ने हमें बाहर निकाल दिया और हमें जो है हमारे घर को लॉक कर दिया, और सिवाय वो कपड़े जो हमने पहने थे या चंद एक और कपड़े जो उन्होंने हमें दिए कि ये आप ले जाएं, सिर्फ वो कपड़े हमारे पास थे। और हम कभी किसी रिश्तेदार के घर, कभी किसी रिश्तेदार के घर, कभी कहीं बच्चों को हम कहीं छोड़ते थे, खुद मैं और मेरी बीवी जो है वो पार्कों में सोते थे, कभी किसी हॉस्पिटल के कंपाउंड में सोते थे, कभी कहीं रहते थे। फिर एक वक्त ऐसा आया कि हमारे पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं था, ना नीचे बिछाने के लिए बिस्तर था, ना ऊपर ओढ़ने के लिए रजाई थी। गर्मियों में जो है हम लोग तपिश का जो है वो बर्दाश्त करते थे, सर्दियों में ठंड बर्दाश्त करते थे, और फिर हमारे पास खाने पीने के लिए बर्तन नहीं थे। हम टैप खोल के नलके के आगे हाथ करके तो पानी पीते थे, जिस शॉपर में खाना लाते थे हम उसी में डाल के खा लेते थे। हमारे पास ना प्लेट, ना चम्मच, ना ग्लास, ना रहने के लिए जगह, ना कुछ। लेकिन एक चीज हमारे अंदर मजबूत थी कि हम खुदा से जुदा होकर कुछ नहीं कर सकते। हम जितनी मर्जी कोशिश कर लें, हम जितनी मर्जी भाग दौड़ कर लें, हम जितनी मर्जी एफर्ट कर लें, अगर खुदा हमारी जिंदगी में है, अगर हम खुदा के साथ कायम है। यहां पर 15वीं बाब की 5वीं आयत में लिखा है, मैं अंगूर का हकीकी दरख्त हूं, तुम डालियां हो, जो मुझ में कायम रहता है मैं उसमें, वही फल लाता है, क्योंकि तुम मुझसे जुदा होकर कुछ नहीं कर सकते। ये आयत मेरी और मेरे खानदान की जिंदगी का हिस्सा बन गई, और फिर हमने आज तक इस आयत को अपनी जिंदगी में जो है अपनी गोल्डन वर्स बना लिया है कि अगर हम खुदा में कायम है तभी खुदा हम में कायम है, अगर हम खुदा के साथ हैं तभी खुदा हमारे साथ है। और ये बात हमने सीख ली कि जब तक हम खुदा के साथ चलेंगे खुदा का हाथ हम पर होगा। और क्या हुआ उसके बाद, खुदा ने हमारे ईमान को देखा, क्योंकि बाइबल कहती है मेरा रास्तबाज बंदा ईमान से जीता रहेगा। और बाय फेथ जब हमने जिंदगी गुजारनी शुरू की, हमने दुनिया के हालात पर निगाह करना छोड़ दी, हमने दुनिया की जरूरियात पर निगाह करना छोड़ दी, हमने तमाम परेशानियों पर, जरूरतों पर और जो जो कुछ भी था पर निगाह करना छोड़कर सिर्फ खुदा पर निगाह करना शुरू कर दी। और क्या हुआ उसके बाद, खुदा ने हमें लिफ्ट अप करना शुरू किया, लिफ्ट अप करना शुरू किया, और फिर खुदा दिन ब दिन हमें बढ़ाता गया। खुदा ने हमें फिजिकल बरकत दी, खुदा ने हमें स्पिरिचुअल गिफ्ट्स दिए, खुदा ने हमें फाइनेंशियल ब्लेस किया, खुदा ने मुझे मेरी फैमिली को ब्लेस किया, फिर खुदा ने हमें काबिल किया कि हम दूसरों को देने वाले बन जाएं। और एक वक्त आया कि जब मेरी खिदमत जो है वो बड़ी, खुदा ने मुझसे कलाम किया, दो जगह पर दो अलग मीटिंग्स में दो प्रोफेसिस मेरे लिए हुई और मैं हैरान था, और एक प्रोफेसी पे तो मैं सारा की तरह हंस पड़ा। मैं एक मीटिंग में था फेलोशिप में, और एक आदम ने मुझे प्रेयर मीटिंग के बाद बुलाया साइड पे, उसने कहा पास्टर आसिफ खुदा तेरे लिए मुझसे प्रोफेसी कर रहा है। मैंने कहा यस प्लीज। उन्होंने कहा खुदा कह रहा है कि मैं तुझे खादमों की सपोर्ट के लिए, फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए इस्तेमाल करूंगा। और क्या हुआ कि मैं हंस पड़ा। मैं हंसा क्यों, क्योंकि मेरी जेब में 10 रुपए चंदा भी नहीं था। मैंने कहा जिधर कोई चंदा नहीं है मदद कितों करेगा। लेकिन क्या हुआ, चंद दिन के बाद एक और जगह हम किसी के घर में बैठे थे, पास्टर इस तरह सिटिंग थी, हम लोग आपस में दोस्त बैठे थे, वहां पर भी प्रेयर हुई। प्रेयर के बाद एक और खादम के वसीले खुदा ने मेरे लिए प्रोफेसिस की, और सेम वर्ड खुदा ने डिक्लेयर किया। जब खुदा ने सेकंड टाइम वो वर्ड डिक्लेयर किया, मैंने उस वर्ड को, उस कलाम को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया, और मैंने कहा खुदावंद आई डू रिसीव, मैं इसको हासिल करता हूं कि तू ऐसा करने को है। और मैं आपको बताता चलूं, खुदा का शुक्र हो कि खुदा ने उसके बाद जब मुझे लिफ्टअप किया, मेरी खिदमत को लिफ्टअप किया, तो खुदा मुझे अब खादमों की फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए इस्तेमाल कर रहा है। बहुत से ऐसे हिंदू कन्वर्टेड लोग हैं जो खादमीन हैं और हम उनकी फाइनेंशियल सपोर्ट करते हैं। बहुत से ऐसे हमारी मिनिस्ट्री में जो हमारे एसोसिएट फ्रेंड्स हैं, हम उनकी जो है जितनी भी हो सके जहां पर भी जरूरत हो हम उनकी फाइनेंशियल सपोर्ट करते हैं। सो बताना मैं ये चाहता हूं कि जब आप इस बात को समझ लें कि खुदा आपके साथ है, तो फिर आप कभी भी खौफ ना खाएं, घबराए नहीं, डरे नहीं, क्योंकि ये बात हमेशा अपनी जिंदगी में हासिल कर लें। आप जितने मर्जी पढ़े लिखे हैं, जितने मर्जी दौलतमंद हैं, जितने मर्जी आलम हैं, जितने मर्जी आप कुछ भी लीडर हैं, अगर आप खुदा से जुदा हो गए तो खुदा आप कुछ नहीं कर सकते। आपकी तरक्की, आपकी खुशहाली, आपकी सलामती, आपकी बरकत, आपकी सरफराजी, आपकी एक्सपेंशन और आपका मल्टीप्लीकेशन इस चीज में है कि खुदा आपके साथ हो और आप खुदा के साथ हो, क्योंकि लिखा है तुम मुझसे जुदा होकर कुछ नहीं कर सकते। और जब ये चीज को मैंने और मेरी बीवी ने और मेरी फैमिली ने अडॉप्ट किया, तो अब आप जानते हैं
मेरी खिदमत को भी जानते हैं, मेरी कंडीशंस को भी जानते हैं और जानते हैं कि खुदा ने अब किस तौर पर हमें जो है प्रॉस्पर किया है। सो मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि समटाइम हमारी जिंदगी में जो है वो टेस्ट ऐसे हालात आते हैं, हमारी जिंदगी में ऐसी अटेम्पटेशन आती हैं, हमारी जिंदगी में ऐसी हर्डल्स आती हैं जो हमें रोकना चाहती हैं। लेकिन अगर आप इस आयत को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें कि मैं खुदा से जुदा होकर कुछ नहीं कर सकता, तो फिर आप हमेशा खुदावन में कायम रहेंगे और खुदा आप में कायम रहेगा और बरकत पर बरकत देगा। आमीन आमीन भाई साहब, बहुत खूबसूरत बातें। इसी हवाले से एक और वर्स जो आपने अपनी सारी खिदमत के बारे में बताया कि किस तरह से मुझे हर्डल्स हुई हैं, हल पर हाथ रख कर पीछे मुड़कर नहीं देखना, बिल्कुल यही खिदमत का हिस्सा है कि जब आप जुत गए हैं तो फिर चलते रहें, क्योंकि वही सारे जो भी उस खेत में हर्डल्स हैं वो खुद से ही उसको दूर करने वाला। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई साहब, मिनिस्ट्री ये जो है आपकी अभी रेवलेशन गॉस्पेल मिनिस्ट्री अराउंड द पाकिस्तान या इंटरनेशनल? नहीं, ये पाकिस्तान बेस है और हम अभी तक सिर्फ लाहौर में काम कर रहे हैं। हमारे लाहौर में इस वक्त जो है वो 7 चर्चेस हैं और हम लोग लाहौर में अभी चर्च प्लांटेशन का काम कर रहे हैं। अभी हम लोग बाहर नहीं निकले, लेकिन खुदा ने चाहा तो इन करीब हम लोग बाहर भी जाएंगे और बाहर भी चर्च प्लांट करेंगे। और खुदा का शुक्र है कि हमारी टोटल मिनिस्ट्री जो है, जितनी भी खिदमत हम लोग कर रहे हैं, वो फुली इंडिपेंडेंट है, कोई इंटरनेशनल इसके साथ जो है वो ताल्लुक नहीं है, नो एफिलिएशन, कोई ऐसी बात नहीं है। क्योंकि अभी आपने बताया कि हम लोग मतलब मुख्तलिफ पास्टर साहबान को सपोर्ट भी करते हैं, तो जो आपकी मिनिस्ट्री के पास्टर्स हैं उनको आप ही सारा मतलब अकोमोडेट कर रहे हैं? मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि मेरे मिनिस्ट्री के जो पास्टर्स हैं या पार्टनर्स हैं, अब वो खुद सिर्फ जो है वो सेल्फ डिपेंडेंट है और वो खुद जॉब्स करते हैं और अपने सारे जो एक्सपेंडिचर्स हैं उनको जो वो अवेल करते हैं। हम लोग उनकी मदद करते हैं जिनकी कोई मदद नहीं करता। हम लोग उन तक पहुँचते हैं जिन तक कोई नहीं पहुँचता। बहुत से ऐसे खादमीन हैं जो दूसरे कॉन्टैक्ट के जरिए मुझ तक आते हैं और मुझे पूछते हैं कि सर हमें हमारी बेटी की शादी है, हमारे चर्च की छत है, हमारे घर की। और मोस्टली मेरी कोशिश ये होती है कि हम लोग कन्वर्टेड लोगों को जो बाहर से हमने शामिल हुए हैं, हम उनको सपोर्ट करें ताकि वो मजबूत हों और वो अपनी खिदमतों में कायम रहें, ना कि वो हालात से डर के भाग जाएं। अमाल की किताब उसका दूसरे बाब तीसरे बाब में इसी तरह से मरकूम है कि जब शागिर्द इकट्ठे हुआ करते थे तो वो सब की ज़रूरतों को मिलजुल कर ही पूरा किया करते थे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उसमें बड़ा वाज़ह लिखा है कि उन्होंने अपने माल असबाब बेचे और वो ला के सारे शागिर्दों को दिए ताकि सबका अच्छी तरह से निज़ाम में ज़िंदगी चल सके। यहाँ पर यह बात मैं बड़ी फख्र के साथ बयान करता हूँ कि मेरा चर्च जो है वो एक अलाइव चर्च है, जिंदा चर्च है। मेरा चर्च हाथ फैलाने वाला नहीं है, मेरा चर्च जो है वो देने वाला चर्च है। मेरे चर्च की कांग्रीगेशन आम कांग्रीगेशन की तरह है, वो भी मजदूर पेशा लोग हैं, सब कुछ है, लेकिन हमने उनको ये बात सिखाई है। अमाल का चर्च जो था वो जिंदा चर्च था, ठीक। और अमाल की कलीसिया की मानंद लोग अपने जो है अपनी ऑफरिंग्स लाते हैं, अपनी टाइथ्स लाते हैं, अपनी थैंक्सगिविंग्स लाते हैं। इवन हमने उनको सिखाया कि आपको हर एक चीज़ पर अपना हदिया और अपनी दायकी निकालनी है। लोग अपने अपनी ग्रॉसरी में से जो है वो अपनी टाइथ लेकर आते हैं, अपने कपड़ों की टाइथ लेकर आते हैं और हम लोग उन चीज़ों को लेकर फिर उन ज़रूरतमंदों तक जाते हैं जो नीडी पर्सन हैं, जिनके पास पहनने को कपड़े नहीं हैं, जिनके पास राशन नहीं है, जिनके पास खाना नहीं है। और मैं अपने चर्च के लिए खुदा की हमेशा मांगता रहता हूँ कि खुदावंद ऐसी जिंदा कलीसिया पर तेरा आसमान हमेशा खुला रहे, क्योंकि वो लोग ये नहीं समझते कि हम जरूरतमंद हैं, वो ये समझते हैं कि हम बाबरकत हैं और हमें बाइस से बरकत बनाया गया है। जब आज चर्च को ये सिखाया जाएगा कि यू आर ब्लेस्ड और आज चर्च को ये बताया जाएगा कि यू आर ब्लेस्ड टू बी ब्लेस्ड, तुम बाबरकत हो ताकि बाइस से बरकत ठहरो, तो फिर कोई भी कलीसिया लेने वाली नहीं रह जाएगी, फिर देने वाली बन जाएगी। और मैं यहां पर एक चीज हमेशा जो है उसकी मुखालफत करता हूं कि हमें ये जो राशन मिनिस्ट्री है इससे थोड़ा सा इज्तराब करने की जरूरत है। हम लोगों को मोहताज ना बनाएं, हम लोगों को फकीर ना बनाएं। आज बहुत सी कलीसियाओं ने जो है ईमानदारों को बेगरमेंट जो है मेंटालिटी दे दी और वो सिर्फ लेने की ज़हनियत रखते हैं, लेकिन बाइबल मुझे और आपको ये सिखाती है हम बादशाहों के बादशाह की औलाद हैं, हम शाही काहिनों का फिरका है, हम मुकद्दस कौम है। और याद रखें, शाही काहिनों का फिरका मांगता नहीं है बल्कि वो देता है। भाई साहब, बहुत खूबसूरत बात। पिछले दिनों में एक चर्च में मुझे भी इत्तफाक हुआ, मैं भी वहाँ पर मौजूद था, तो कुछ कोरियन पारी साहबान वहाँ पर मौजूद थे। तो जब आपने बताया कि इसी तरह से राशन वगैरह देने की बात, तो
चर्च ख़त्म हुआ तो वहाँ के जो लोकल पादरी साहब थे उन्होंने ना कुछ फैमिलीज़ को बुलाया हुआ था, उनको राशन वगैरह वो दे रहे थे। तो वो कोरियन पादरी साहब ने उनसे पूछा कि ये लोग कौन है, उनका ये क्रिश्चियन है। कहते फिर इनको क्या ज़रूरत है इन चीज़ों की, क्योंकि क्रिश्चियन तो कभी लेता ही नहीं किसी से कुछ, बल्कि वो तो देने वाले होते हैं। आमीन। तो वो बहुत हैरान हुआ और मैं उस मौके पर मौजूद था और मैं उसकी सोच के था, क्रिश्चियन कभी भी मांगता नहीं। देखिए ज़बूर की किताब इस बात कभी गरीब नहीं होता, ज़बूर की किताब इस बात की गवाही देती है। मैं बच्चा सा हूँ बुढ़ा हुआ पर नस्ल सादक दी ना कदी वेखी लाचार ते टुक्कर मंगदी भी। जो सादक की औलाद है, जो खुदा ताला के बेटे और बेटियां हैं, वो ना तो भीख मांगते हैं, ना टुकड़े मांगते हैं, ना रोटियां मांगते हैं, ना राशन मांगते हैं। ये वही मांगते हैं जो खुदा को अपना बाप तस्लीम नहीं करते। हमारा बाप देना जानता है, वो फिक्रमंद रहता है, वो हमारे लिए खड़ा रहता है, वो हमारे लिए हमेशा तैयार रहता है। कभी बाप से मांग कर तो देखें और देखें फिर बाप कैसे अपनी शफकत को नाजिल करता है। तो वो बात फिर मेरे उसको मैं क्लोज करूँगा। वो कोरियन पास्टर साहब ने कहा कि मैं यकीन ही नहीं कर सकता कि एक क्रिश्चियन गरीब हो। आमीन, ऐसा ही है जी। नाज़रीन, बहुत खूबसूरत बातें, आज बहुत शानदार प्रोग्राम रहा। आज जो गवाही पाई साहब ने अपनी खिदमत के बारे में दी है वो यही है कि हमें मुस्तकिल मिजाजी को इख्तियार करना चाहिए। मुस्तकिल और कमाल फरोतनी के साथ खुदावंद के तख्त के आगे झुके रहें और वो वक्त पर आपको सरबुलंद करता है। जिस तरह पाई साहब ने बताया कि बहुत से ऐसे हालात जिनका जिक्र उन्होंने किया अपनी गवाही में कि बहुत तंग दस्ती रही, लेकिन आज खुदावंद ने मुझे इस लायक किया हुआ है कि मैं दूसरे लोगों को सपोर्ट करता हूं, दूसरे पादरी साहबान को, दूसरे चर्चेस को, हमारा चर्च मिलजुल कर सपोर्ट करता है। और यही खुदावंद में एक सबसे बड़ी कामयाबी है। जब हम उसके साथ लिपटे रहेंगे, उससे जुदा नहीं होंगे, तो वो हमें इस लायक एक तनावर दरख्त की मानद बना देता है जिसकी छाँव में आकर दूसरे लोग बसेरा करते हैं। तो मिलेंगे एक और खूबसूरत गवाही के साथ। प्रोग्राम देखते रहिए गवाही।